जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, डेली करते हैं कि हमारी फैमिली के सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वो जो भी चाहते हैं, जो उनके लिए पॉजिटिव हो, ईश्वर उन्हें जरूर दें। आप जो भी पाना चाहते हैं, आपका प्यार, परिवार, आपके करियर में सक्सेस, अच्छी सी हेल्थ, जो भी चाहते हैं वो ईश्वर आपको जरूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ना, ये हमें एंजल्स ने गाइड किया है, सजेस्ट किया है कि इस टॉपिक पर हमें रीडिंग करनी चाहिए। शायद हमारे फैमिली मेंबर्स को ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, आज का टॉपिक है कि आपकी अधूरी इच्छाएं कब पूरी होंगी। कुछ चीज़ों को लेकर आपकी इच्छाएं अधूरी हैं, आप पूरी करना चाहते हैं, तो वो कब तक पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी। ये अधूरी इच्छाएं किसी भी चीज़ के लिए हो सकती हैं, आपके प्यार के लिए हो सकती हैं, आपके करियर के लिए हो सकती हैं, आपके परिवार के लिए हो सकती हैं, आपके हेल्थ के लिए हो सकती हैं, जो भी है, समझ रहे हैं। तो वो आपकी जो इच्छाएं हैं वो कब तक पूरी होंगी, आपको क्या करना होगा, एंजेलिक गाइडेंस क्या है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस का यूज़ करना है। हमेशा आप सरल रास्ते क्यों ढूंढ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट दे दीजिए, नेम का फर्स्ट लेटर दे दीजिए, राशि दे दीजिए, बर्थ मंथ दे दीजिए, बर्थडे दे दीजिए, क्यों? आपको चूज़ करने में झंझट फील होता है, हाँ, कि बहुत टेंशन है, ये चूज़ करें, ये चूज़ करें। यहीं पर तो आपका सबकॉन्शियस काम करता है, यहीं पर तो आपके सिलेक्शन में ही तो आपका चुनाव ही बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप चूज़ करते हैं ना, तो वो आप चूज़ नहीं करते हैं, आपके अंदर जो समस्याएं हैं ना वो चूज़ करवाती हैं वो ऑप्शन, समझ रहे हैं। तभी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं। तो बाबू, एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, लंबी सी गहरी सांस लेकर, जल्दबाजी नहीं करनी होती, ईश्वर से प्रार्थना करके एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, फिर अपनी रीडिंग देखनी होती है। अब अगर किसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो मैच नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा पायल है वो भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने चूज़ करने में गलती कर दी हो, तो आप दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, उसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा, हमें विश्वास है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आपकी अधूरी इच्छाएं कब तक पूरी होंगी, आप जानना चाहते हैं कि कब तक पूरी होंगी। तो सबसे पहले क्यों ना आपकी इच्छाओं पर बात की जाए, है ना। हम ऐसे कैसे बोल दें कि अब तक पूरी हो जाएंगी, इतने दिन बाद पूरी हो जाएगी। पहले तो हमें इच्छाओं पर बात करनी पड़ेगी ना, कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। लेकिन जितने लोगों की भी इच्छाएं हैं ना, वो सब इंतज़ार से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग किसी के कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इशू क्या है, एज डिफरेंस है, फैमिली मान नहीं रही है, और इस वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप भी पक्के वाले ज़िद्दी हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो इसे समझ में आएगा कि प्यार कितना ज़्यादा है, और इसे मेरा इंतज़ार समझ में आएगा। और पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फीमेल हैं, जो बहुत समय से बेबी कंसीव करना चाहते हैं पर नहीं हो रहा है, उनको उनके घर में इस बात के लिए ताने भी मिलते हैं, उनकी फैमिली वाले उनके बारे में भला बुरा भी बोलते हैं, शायद रिलेटिव भी, आपके पड़ोसी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत समय से बहुत कोशिशें की हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं कि अब सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में है। तो आप बहुत समय से बेबी कंसीव करना चाहते हैं, आपको उसका इंतज़ार है, लेकिन फ़िलहाल कहीं से कोई बात नहीं बन रही है, तो आपने अब डिवाइन को ही सरेंडर कर रखा है। क्योंकि आप बहुत दुखी हैं, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो डियर,
आपके लिए भी हम बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोग अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। तो उनको भी हम बताएंगे कि ग्रोथ इतनी स्लो क्यों है, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी ने तबाही मचा कर रखी हुई है, वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो स्ट्रेंथ नहीं है मूव ऑन करने की, क्योंकि दिल से कनेक्ट है ना। अब देखिए, हमने कल अपने वीडियो में बताया था कि अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं, और आपको ये भी बताया है कि कैसे पहचाने कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं वो आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम है। तो आपको अगर ये महसूस हो चुका है कि ये आपका कार्मिक है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको मूव ऑन करना है। और देखिए, कुछ लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो उनकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। टेंशन क्यों लेते हैं, ईश्वर है ना आपके साथ। तो डियर, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी अधूरी इच्छा है कि उनका पर्सन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो वो कमिटमेंट कब देगा, आखिर कब देगा कमिटमेंट। तो डियर, आप जो इंतज़ार कर रहे हैं ना इतनी बेसब्री से, इसके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग है, क्योंकि आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आपसे प्यार समाज से पूछ कर किया था, लोगों से पूछ कर किया था, और आज जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो वो डर रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट कब देंगे, आपकी जो अधूरी इच्छा है ये कब तक पूरी होगी। इसके पहले आपकी तरफ से, हमेशा हम कहते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आज आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग, ठीक है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों के दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, है ना। हमें पता है आप बहुत सारा प्यार करते हैं इनसे, बहुत सारा। तो डियर,
आपकी अधूरी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, बहुत जल्द। लेकिन उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना होगा, समझ रहे हैं? उसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना होगा। देखिए, हार्ट चक्रा मतलब अनाहत चक्रा। तो अनाहत चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, समझ रहे हैं? आपको डेली ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर, अगर आप मेल हैं तो भी आपको लाइट ग्रीन हो, डार्क ग्रीन हो, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर 108 बार यम 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 ऐसे बोलेंगे। और आपको फील करना होगा, विजुलाइजेशन करना होगा कि आपका जो हार्ट है ना, वहाँ पर कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है, कुछ कम से कम 10 दिनों तक, समझ रहे हैं? 10 दिनों तक आपको ये करना ही करना है, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनकर। आप देखिए, फिर से कह रहे हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो डियर 100% आपके पर्सन पर उसका इफ़ेक्ट होगा और वो आपको कमिटमेंट दे देंगे, समझ रहे हैं? बस हाँ, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर पर्सन है, वो स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है हर तरीके से, लेकिन वो सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आपकी अधूरी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बस आपको इतना करना है। देखिए, कुछ लोगों की विश तो विदिन 10 वीक्स में पूरी हो जाएगी और कुछ लोगों की विश अक्टूबर तक पूरी होगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, जब ईश्वर की मर्जी से कुछ होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस बात के लिए टेंशन में हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, समझ रहे हैं? आपकी अधूरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, जो भी टेंशन है सारी टेंशन ख़त्म होगी, बस आपको अपना अनाहत चक्र बैलेंस करना है, समझ गए? अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, जिनको बहुत सारे ताने बाने मिल रहे हैं, जिन्होंने उम्मीद ही हार दी है, जिन्होंने शायद अंदर से हार मान ली है कि अब कुछ नहीं होगा, पर फिर भी अभी भी उन्हें ईश्वर पर विश्वास है। अब लोगों पर विश्वास नहीं रहा, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास है, तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि आपको भी उम्मीद नहीं हारनी है, आपको भी हार नहीं माननी है, समझ रहे हैं? बिल्कुल 100% आप माँ बनने का, पिता बनने का सुख जरूर प्राप्त करेंगे। वो भी आपको एक बेबी नहीं होगा, 2 बेबी होंगे, समझ रहे हैं? 2 बेबी होंगे आपको, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हाँ, आपके परिवार में जो कलह क्लेश मचा हुआ है, शायद इस वजह से आपके पर्सन भी आपसे रूड बिहेव करते होंगे, तो आपकी जो अधूरी इच्छा है, आपके परिवार में सब कुछ कब बैलेंस होगा, आप कब बेबी कंसीव कर पाएंगे, तो डियर विदिन टू मंथ्स में आपको ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाएगी, समझ रहे हैं? बस ईश्वर पर भरोसा रखिए। और देखिए, आपके लिए भी कुछ बता रहे हैं, आपको डेली सुबह उठकर मेडिटेशन करना है और अपने पेट पर ऐसे हाथ रख के ये महसूस करना है कि कुछ सूर्य जैसा गोल गोल आपके पेट में घूम रहा है, बहुत ऊर्जावान है। आपको बिल्कुल उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होकर करना है, और आपको सूर्य देव को डेली जल अर्पित करना है, ठीक है? देखिए, कि पहली कंडीशन है जिनके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एज डिफरेंस की वजह से, और जिनको बेबी की प्रॉब्लम है, इन दोनों को 10-10 दिख रहा है, 1010, इसी वजह से दिखाया जा रहा है कि टेंशन मत लो, आपकी विश डिवाइन टाइमिंग पर पूरी होगी। अब आपने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है, तो ईश्वर पर विश्वास भी करिए, इस तरह मत दिखाइए कि आपको अभी भी बहुत टेंशन है। जब हम किसी चीज़ को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं ना, तो फिर हमें टेंशन नहीं लेनी होती, फिर बस उस पर विश्वास करना होता है। आपका विश्वास ही आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिनकी आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, तो जानते हैं आपकी ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम क्यों है? एक तो आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो भी नेगेटिव सोचते हैं। आप कितना भी अच्छे कर्म कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके मन में नकारात्मक विचार रहते हैं,
अगर कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर ये ख्याल आ जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो डियर फिर आप उम्मीद भी मत करिए कि कुछ पॉजिटिव होगा भी। लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है, आपके करियर से रिलेटेड कोई थर्ड पर्सन है जो बार बार आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, आपका बनता बनता काम बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो आपको इस बंदे को पहचानना है और अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना है। ये आपका बहुत करीबी है, आप जहाँ पर भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं वहाँ जाकर ये कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है, तो आपको इसे पहचानना है, समझ रहे हैं। और हम आपको एक स्टोन ब्रेसलेट सजेस्ट कर रहे हैं, आप अमेजोन से ऑर्डर कर लेना, टाइगर आई स्टोन होता है, उसका ब्रेसलेट आपको धारण करना है संडे वाले दिन, समझ रहे हैं। संडे को आपको उसे एक बार गंगा जल में स्नान करवा के, मतलब गंगा जल में धुल कर आपको उसे दिन भर धूप में रख देना है और शाम को उसे पहन लेना है, ठीक है। इससे जो बुरी नज़र है ना लोगों की आपकी ज़िंदगी में, वो अपने आप दूर हो जाएगी। बस हाँ, ये मत सोचना कि अब तो टाइगर आई मैंने पहन लिया है अब मुझे किस बात की दिक्कत, नहीं, आपको भी टाइगर की तरह अपनी आंखें पैनी रखनी है कि कौन है आपका दुश्मन, उसे पहचानना है और उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कंडीशन की, आपकी अधूरी इच्छा ये है कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ने तबाही मचा रखी है, तो इस थर्ड पार्टी का जाना कब होगा, आपकी ये अधूरी इच्छा है कि आपके पर्सन उसे छोड़कर आपके पास कब आएंगे। डियर, आपके पर्सन उसे छोड़कर तब आएंगे जब आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, टेंशन नहीं लेंगे और थोड़ा सा एक्शन लेंगे। एक्शन में आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन को फुल्ली इग्नोर करना है, समझ रहे हैं, और अपने करियर पर फोकस करना है, उसके पीछे नहीं भागना है, उसके पीछे रोना नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूँ, मेरी सांसें ख़त्म हो गई हैं, ये वो दुनियादारी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप उसे इग्नोर करेंगे ना, तब उसे लगेगा अरे ये मुझे इग्नोर कर रहा है, अपने करियर पर फोकस कर रहा है, तब वो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगा। अगर आप वाकई से पाना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे मत भागिए, स्टैंड लीजिए स्ट्रेंथ के साथ और अपने करियर पर फोकस कर लीजिए, सक्सेस पाने के लिए दिन रात मेहनत कर लीजिए, देख लेना सक्सेस होते ही, आपकी सफलता देखते ही आपके पीछे दौड़ा चला आएगा। और हम तो फिर से कहेंगे, अगर ये कार्मिक है तो आप खुद मूव ऑन कर लीजिए और इसकी तरफ पलट कर भी मत देखिए, आप पॉजिटिव रहिए और अपनी ज़िंदगी में अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करिए। और डियर, जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनका कार्मिक था लेकिन आपने मूव ऑन कर लिया है, अब क्या होगा कैसे होगा, तो डियर ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर के घर में थोड़ा सा टाइम लगता है, ईश्वर जब कुछ करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा होता है। तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, आपकी अधूरी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आएगा। अब आपने मूव ऑन कर लिया है, बस आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, आप अपने सोलमेट को, जो इंसान आपके लिए बना है, उसे अट्रैक्ट करिए, वो जहाँ भी होगा आपके पास ज़रूर आ जाएगा। डियर, हमने आप सबको बताया कि आपको क्या करना है और आपकी अधूरी इच्छाएं कब और कैसे पूरी होंगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक उनकी परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपकी जो अधूरी इच्छाएँ हैं वो कब तक पूरी होंगी, क्या कमी है, क्या रुकावट आ रही है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कब होगी आपकी इच्छा पूरी। ये इच्छा आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, ये इच्छा आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, ये इच्छा आपके स्टडी से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है ये आपकी इच्छा। तो आपके लिए कुछ एडवाइसेस हैं ईश्वर की तरफ से,
एक तो आप सोचना बंद कर दो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो जैसा नहीं होता ना उतना सोच लेते हैं आप। और पता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कभी-कभी झुकना अच्छा होता है। सॉरी बोल देने से अगर बहुत बड़ी बात टल रही है ना, तो बोल देना अच्छा होता है। वहाँ पर अपना एटीट्यूड लेकर नहीं रहना चाहिए। अगर सॉरी बोलने से हमारे रिश्ते संभलते हैं, तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए। हम छोटे नहीं हो जाएंगे। आप हमेशा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे, हमें पता है, वो चाहते तो हैं कि उनको उनके रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, लेकिन हिम्मत नहीं होती। क्यों? सिर्फ प्यार ही करना जानते हैं आप, झुकना नहीं जानते, समर्पण करना ही नहीं जानते। प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब ईगो एटीट्यूड नहीं है। प्यार का मतलब है समर्पण करना। प्यार का मतलब मालकियत करना नहीं है, उसके प्रति समर्पित हो जाना है पूरी तरीके से। अगर आप अपने रिश्तों में सक्सेस चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा आप भी कभी कभी झुक जाया करिए। यहाँ पर देखिए, रिश्तों में सक्सेस पाना बहुत सारे लोग चाहते हैं। पाइल नंबर टू, हमें यहाँ पर 80% लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और उनकी जो अधूरी ख्वाहिशें हैं वो रिलेशनशिप को लेकर ही हैं। कुछ लोग ही करियर वाले हैं, कुछ लोग ही हेल्थ वाले हैं, कुछ लोग ही फैमिली वाले हैं। पता है क्यों? आप मानेंगे इस बात को, जब भी हम करियर से रिलेटेड रीडिंग करते हैं तो उसमें कितने व्यूज़ आते हैं, कभी देखा आपने? बहुत कम। लोग कहते हैं ना कि दी आप हमेशा लव रीडिंग करते हैं, बाबू क्या करें, कार्ड्स ही ऐसे निकल आते हैं। क्यों? हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करके रीडिंग करते हैं कि हमारे फैमिली की जो भी प्रॉब्लम है, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके हिसाब से कार्ड्स आने चाहिए। तो यहाँ पर तो सारे दिल के घायल बैठे हैं ना, तो बताइए करियर के लिए कहाँ से कार्ड्स निकलेंगे? अभी हम किसी और टॉपिक पर रीडिंग करें, कितने लोग देखेंगे? कोई नहीं देखता। सबकी प्रॉब्लम है प्यार, सबकी प्रॉब्लम है उनका परिवार। इस वजह से थोड़ा सा आप भी समझदारी बनाया करिए। डियर, जिन लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस इशू है, लेकिन वो प्यार करते हैं किसी से, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी उम्र ज़्यादा है और उन्होंने जिससे प्यार किया है वो उससे कम उम्र का इंसान है, तो समाज वाले क्या कहेंगे? जैसे कि एक सामाजिक बंधन पड़ा हुआ है, बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं आपके ऊपर, है ना? तो आप चाहते तो हैं कि आपकी ये जो अधूरी इच्छा है वो पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए तो आपको एक्शन लेना होगा ना। उसके लिए तो आपको जो समाज के बारे में आप सोच रहे हैं उसका त्याग करना होगा ना। बिना एक्शन लिए आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैसे? तोड़ दीजिए बंधन, तोड़ दीजिए जंजीरें। हम मानते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मानते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपका एक वर्चस्व है समाज में, आपका एक नाम है। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को सुकून देना चाहते हैं, अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं, तो फिर दिल की सुनिए ना। जिंदगी का क्या भरोसा है कितने दिन रहेगी? जो दिल कहता है वो कर लीजिए ना, जी भर के मत सोचिए। पता नहीं कल सोने के बाद आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, है ना? तो अगर आप चाहें तो अपनी विश पूरी कर सकते हैं। आपको पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, समझ रहे हैं? लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप दूसरों से जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है। जब ईश्वर आपको बता रहे हैं, वो आप समझ नहीं रहे हैं, वो आप सुन नहीं रहे हैं, दूसरों से जानना चाहते हैं। क्यों? आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपको रास्ता नज़र आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बस एक्शन ले लीजिए, आपका प्यार आपके साथ होगा। जितनी भी रुकावटें हैं ना, उनका डटकर सामना कर लीजिए, मुंह मत छुपाइए। अगर आप उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन ले लीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ जाइए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके दरमियान फैमिली इशू है बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि उनके पर्सन से उनका यूनियन हो जाए, वो चाहते हैं कि उनके पर्सन से उनकी शादी हो जाए,
वो चाहते हैं लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। तो डियर आप चाहते हैं कि आपकी जो अधूरी इच्छा है, मतलब कि आपकी जो फैमिली नहीं मान रही है, तो वो कैसे मानेगी? क्योंकि आप अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं। या फिर यही सेम इशू आपके पर्सन के साथ है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि फैमिली एग्री नहीं है, फैमिली इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाएगी। बस कम से कम आप 3-4 महीने रुक जाइए और इन 3-4 महीने में आपको मैनिफेस्टेशन करना है, अच्छे से करना है, और डेली 10-10 मिनट का मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपको अपना डर ख़त्म कर देना है। समझ रहे हैं? सिर्फ अपने प्यार की तरफ सोचते हुए, अगर आप वाकई उससे प्यार करते हैं तो अपने प्यार को अपनी नज़र में रखते हुए एक बार अपनी फैमिली से बात करना, प्यार से बात करना, आपकी फैमिली ज़रूर मान जाएगी। ये मैसेज हमारी तरफ से नहीं है, ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइडर्स की तरफ से है। क्योंकि देखिए फ्यूचर में क्या होगा ये आपके स्पिरिट गाइडर्स, एंजल्स, ईश्वर वही जानते हैं। डियर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों, अब पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल जर्नी में हैं। कुछ लोग तो मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और हमने ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए कल ही बताया था कि उनका सोल पर्पस क्या होता है, कल ही बताया था। आपको लग रहा है कि बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन मस्कुलाइन ने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया, बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन मस्कुलाइन की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो अब ईश्वर पता आपसे क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा पीछे हट जाइए। कैसे? जब शेर को लंबी छलांग लगानी होती तो क्या करता है? 4 कदम पीछे जाता है, है ना? जब हमें लंबी छलांग लगानी होती है तो हमें क्या करना होता है? थोड़ी दूर पीछे जाना होता है। तो अभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। क्या करना है आपको? सिर्फ टेलीपैथी करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करनी है। अगर वो आपके सामने आ भी जाए तो आपको उसे इस तरह से इग्नोर करके निकल जाना है जैसे कि आपने उसे देखा ही नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है आपको। ईश्वर चाहते हैं ऐसा कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाएं। अब आप उसका इंतज़ार मत करिए, आप कुछ ऐसा करिए कि वो आपका इंतज़ार करे। समझ रहे हैं? आप ऐसे बन जाइए कि वो आपका इंतज़ार करे। आप अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए ना। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप कौन हैं? आपके अंदर पता है कितनी पावर है, उस पावर को तो पहचानिए। अपने अंदर तो देखिए कि आपके अंदर क्या छुपा पड़ा है। आप अपने आप को एक साधारण सा, तुच्छ सा इंसान क्यों समझते हैं? जितने लोग बिटवीन सोल जर्नी वाले होते हैं ना, वो साधारण नहीं होते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ होता है। लेकिन बस वही बात है कि अगर खुद को पहचानते नहीं हैं तो हम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह बिता देते हैं कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ऐसा होना था, वैसा होना था। ईश्वर कह रहे हैं कि आपका यूनियन ज़रूर होगा, आप दोनों बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द। अगर आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्द उसका मैसेज आएगा। अगर आप उसके कॉल का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो खुद ही आपसे मिलने आए, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आप मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, आपका यूनियन बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। समझ रहे हैं? आपको इस टाइम पर डिवाइन से कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डियर फेमिनाइन, आप इतने सक्षम हैं कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे ना यूनिवर्स से कि मुझे क्या करना है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। आप क्वेश्चन करके तो देखिए, आप खुद को हल्के में क्यों लेते हैं? कल किसी ने पूछा था कि डिवाइन फेमिनाइन का क्या मतलब होता है, शायद शब्दों में कह पाना मुश्किल है, 2 घंटे निकल जाएंगे बोलते बोलते। डिवाइन फेमिनाइन वो है जो किसी मस्कुलाइन की मोहताज नहीं है। समझ रहे हैं? वो अपने अंदर के मस्कुलाइन से ही अपना यूनियन कर लेती है, जो बाहर के शरीर के लिए रोती ही नहीं है। वो आपका ही तो काउंटर पार्ट है, क्यों रोना उसके पीछे? वो आपके अंदर भी तो है, उससे अपना यूनियन कर लीजिए। आपको कभी भी उसकी कमी का एहसास नहीं होगा।
हाँ, अगर आपको फिजिकली उसकी ज़रूरत है तो बात अलग है, आपको उसके शब्दों की ज़रूरत है तो बात अलग है। अगर आप वाकई सच्चे प्रेम की बात करें तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर तो वो अंदर ही है। अगर यूनियन होने का मतलब ये होता कि शादी करके बच्चे पैदा करना है, तो कृष्ण राधा से ही शादी करते, रुक्मणी से नहीं। लेकिन वो एक ही सोल थे ना, कभी दूरी महसूस ही नहीं होती थी कि शादी करने की जरूरत है, क्योंकि शादी तो उनके बीच होती है ना जो दो शरीर होते हैं। जब एक ही शरीर है तो फिर क्या शादी करना। और ऐसा भी नहीं कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, पर हाँ, उनकी आत्माओं की शादी हुई थी, शरीर की शादी नहीं हुई थी। शरीर की शादी रुक्मणी से हुई थी, पर आत्मा की शादी तो राधा से ही होगी, तभी तो उन्हें आत्मारमण कहते हैं। ब्रह्मा जी ने करवा दिया था उनका विवाह, उनकी आत्माओं का, उनकी चेतना का। राधा को पूरा जीवन कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जो सुनते हैं ना कथाओं में, भजन में, कि राधा रोई कृष्ण के लिए, नहीं, कभी नहीं रोई राधा। राधा सिर्फ तब तक रोई है जब तक राधा अवेक नहीं हुई, जब तक राधा ने जाना नहीं कि मैं हूं कौन, जब तक राधा ने अपनी दिव्यता को नहीं पहचाना, तब तक राधा कृष्ण के लिए रोई। लेकिन जब राधा समझ गई कि मैं एक दिव्य नारी हूं, मैं एक फेमिनाइन हूं, तब राधा कृष्ण के लिए नहीं रोई। तब तो वो हमेशा कृष्ण के पास रही, कृष्ण के साथ रही आत्मिक रूप से। तो डिवाइन फेमिनाइन का ये मतलब होता है कि वो किसी की मोहताज नहीं होती। अगर मस्कुलाइन अपने कार्मिक बर्डन में फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, आपसे शादी नहीं कर पा रहा है, तो आप अकेले ही मस्त। फेमिनाइन सेल्फ लव करती है। सेल्फ मतलब उसके अंदर का जो मस्कुलाइन है ना, उसके अंदर का जो मस्कुलाइन है उससे लव करती है, उससे प्रेम करती है। जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है शायद बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अपने प्रेम को सिर्फ शारीरिक लेवल तक रखना चाहते हैं, शारीरिक लेवल तक सीमित रखना चाहते हैं, आत्मिक लेवल तक जाना ही नहीं चाहते। बुरा लगता है हमें। क्या लगता है, हम नहीं जानते ट्विन सोल जर्नी को? क्या लगता है, हम नहीं जानते कि मस्कुलाइन क्या है? ऐसे ही बोल रहे हैं। जिस दिन आप हकीकत में ट्विन सोल जर्नी को समझ जाओगे ना, उस दिन ये रोना धोना बंद कर दोगे, जगह जगह करंट फीलिंग देखना बंद कर दोगे, बस अंदर वाले मस्कुलाइन से यूनियन कर लोगे और मस्त रहोगे। आए तो अच्छा और ना आए तो बहुत अच्छा। फिर अपना पूरा जीवन साक्षी भाव से गुजारोगे। तो डियर, अगर आप वाकई में रो रहे हैं, परेशान हैं ना उसके कमिटमेंट के लिए, उसके एक्शन के लिए, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आएगा वो। एक्शन भी लेगा, कमिटमेंट भी देगा, फैमिली इशू को ख़त्म भी करेगा, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेगा। लेकिन हाँ, जो जो बाहरी लोगों का इंटरफेयर है ना रिश्तों में, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो आ जाता है, तो अगर आप आते हैं तो ख़त्म कर दीजिए। कि किसी ने कहा कि उसका किसी के साथ अफेयर है, वो किसी और से बात कर रहा था, उसका किसी के साथ चक्कर है, तो इन बातों पर बिलीव मत किया करिए। कुछ नहीं होता ये सब कुछ, ठीक है? अपने रिश्तों में दूसरों को इन्वॉल्व मत होने दीजिए। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो भी, सोलमेट जर्नी में हैं तो भी, ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। समझ रहे हैं, इतनी खुशियाँ होंगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, बस थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। सॉरी, बुरा लगा हो तो, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से, और स्पेशली जो भी ट्विन सोल जर्नी में है। जब हम उन्हें इस तरह देखते हैं ना, परेशान होता हुआ, तो गुस्सा आ जाता है कि क्या मजाक समझ रखा है ट्विन सोल जर्नी का। अपने पर्पस को भूलकर कहाँ चले जाते हो आप लोग? आप लोग अपना सोल पर्पस क्यों भूल रहे हो? आपका सोल पर्पस वो नहीं है जो सबका होता है, आप लोग कुछ अलग हैं। तो कम से कम ईश्वर के फैसले का तो सम्मान कर लिया करो, क्योंकि होगा वही जो वो चाहता है। कितनी भी उछल कूद कर लो, आपके हिसाब से कुछ होना नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा है उससे उससे यूनियन करना, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना होगा, कंटिन्यू कर्म करना होगा। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को रोकना नहीं है, उसे जारी रखना है, ऐसे आपका यूनियन होगा। तो वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन भी हो जाएगा, और आप लोग हमें कमेंट करके भी बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक को मस्कुलाइन समझ रहे हैं, तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होना,
वो तो चला गया, किसी और के साथ वो नहीं आने वाला अब, तो उसके लिए तो सोचना ही बेकार है। और हमने बताया है कल के वीडियो में कि आपको कैसे पता करना है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, कार्मिक में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। अगर कार्मिक है तो उसका इंतज़ार नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और ट्विन है तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना है। और अगर सोलमेट है तो ज़रूर आएगा, इंतज़ार करना है। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, उससे शादी करना चाहते हैं ज़रूर पूरी होगी, जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर ख़त्म होंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, कम से कम 5 महीने का। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक परवाह करेंगे? उनकी परवाह मत करिए, सिर्फ अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।